हमारा पार्टी का निर्देश है पोस्टपोन बायलेंस नहीं होना चाहिए। हमारा कैंडिडेट सभी कर्मियों को बताए हैं कि कुछ घटना नहीं होना चाहिए, कुछ घटना होगा भी नहीं। देश में 29 विधानसभा सीटों और 3 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं। देश की 15 राज्यों में हुए इन उपचुनावों में पश्चिम बंगाल की भी 4 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इन चारों सीटों पर ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर खेला कर दिया है। टीएमसी ने इन उपचुनावों में इस साल हुए विधानसभा के चुनावों की तरह ही रिकॉर्ड जीत हासिल की है। वही बंगाल की इन चारों सीटों पर बीजेपी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। बंगाल उपचुनाव में बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन पर चुटकी लेते हुए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने तंज कसा है। अभिषेक ने ट्वीट किया, सही मायनों में बीजेपी के लिए यह पटाखा रहित दीपावली है। उत्तर बंगाल के कूच बिहार जिले की दिनहाता विधानसभा में हुए उपचुनाव में टीएमसी उम्मीदवार उदयन गुहा ने बीजेपी के अशोक मंडल को 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। वही सुंदरबन की गोसाबा सीट पर टीएमसी के सुब्रता मंडल ने बीजेपी के पलाश राणा को 1,40,000 वोटों से हराया। सीएम ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर विधानसभा से इस्तीफा देने वाले सोहनदेव चट्टोपाध्याय ने भी बीजेपी के जॉय साहा को खरदाहा विधानसभा से 90,000 से ज्यादा वोटों से मात दी। वही शांतिपुर विधानसभा सीट भी टीएमसी ने करीब 60,000 से ज्यादा वोटों से जीत कर अपने नाम कर ली है। उपचुनाव के नतीजों के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सभी जीते हुए उम्मीदवारों को बधाई दी। तो वही बीजेपी महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने टीएमसी पर गुंडागर्दी कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया। वही असम में विधानसभा की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए डाले गए मतों की गणना में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की बढ़त लगातार बरकरार है। बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा ने इसे धनतेरस पर और धनी होने जैसा बताया। वही मेघालय की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए सहयोगियों को बड़ी जीत मिली है। 3 सीटों पर एनडीए में बीजेपी के सहयोगी दल नेशनल पीपुल्स पार्टी और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत का परचम लहराया। सत्तारूढ़ दल एनपीपी के खाते में 2 विधानसभा सीटें मारिंगकेंग और राजबाला जबकि यूडीपी के हिस्से में 1 सीट आई है। एनपीपी इस बार कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली राजबाला सीट पर भी जीत का डंका बजाने में कामयाब रही। मिजोरम में एकमात्र तुइरियाल विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट के उम्मीदवार लाल द वंग लियाना ने 39.96% वोट के साथ जीत हासिल की है। इसके अलावा नागालैंड की भी एकमात्र सीट पर सत्तारूढ़ दल मिजो नेशनल फ्रंट के उम्मीदवार की निर्विरोध जीत का रास्ता साफ हो गया है। बंगाल समेत उत्तर पूर्वी राज्यों में हुए इन विधानसभा के उपचुनावों में राज्य की सत्ता पर काबिज दलों को ही संभलता मिलने का ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।